हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही फ्राइडे और आज हम लोग जाने वाले हैं मेरे मायके। यस, मायके जाने की खुशी कुछ और होती है। चाहे उस लड़की की नई नई शादी हुई हो या फिर 20-25 साल हो गए हो, जब भी मायके जाने की बात आती है तो हर लड़की को खुशी तो होती है। तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मायके जा रही हूँ। भले ही 2 दिन के लिए जा रही हूँ बट मैं खुश हूँ। अच्छा, तो मैं मायके क्यों जा रही हूँ, आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो अभी अधिक मास चल रहा है इसलिए मम्मी ने हम लोगों को घर बुलाया है। हमारे शादी के बाद ये फर्स्ट अधिक मास है इसलिए हमको बुलाया है। और हमारे यहाँ अधिक मास में घर की बेटी को और दामाद को बुलाते हैं क्योंकि बेटी को तो वैसे भी लक्ष्मी माना जाता है घर की। तो बेटी को लक्ष्मी के रूप में और दामाद को नारायण के रूप में घर में बुलाते हैं और उनको कोई भी चीज़ दान दी जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोई भी एक धातु की चीज़ या फिर कपड़े, ऐसी कोई भी चीज़ दान दी जाती है। और साथ ही में स्वीट, जैसे कि हमारे यहाँ अनारसा, मैसूर पाक, बताशे, जो भी स्वीट है वो 33 नंबर से दिया जाता है क्योंकि 33 कोटि भगवान होते हैं, इसलिए वो जो स्वीट है वो 33 नंबर में ही दान दिया जाता है। और बेटी को जो जोड़वे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टोरिंग, उस जोड़वे में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि 1 ग्राम का है तो 2 ग्राम का करके ऐसे एड ऑन करके वो जोड़वे नए पहनाए जाते हैं लड़की के मायके की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो बस इतना ही पता है। ये अभी हमको लेट हो रहा है, मैं पहले पैकिंग कर लेती हूँ फिर आपसे बात करूँगी। रहा हमारा छोटू सा बैग, मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ इसलिए मैंने ये छोटा सा बैग ले लिया है। चलिए पैकिंग करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करूँगी। अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। इस बार हमने डीजे यात्रा ऐप का यूज़ किया है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। अगर हम लोग नॉर्मल लाइन में लगते तो हमको काफ़ी लेट हो जाता, बट डीजे यात्रा से हम लोग सारा जो प्रोसेस है पूरा चेक, सिक्योरिटी चेकिंग तक सारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने डीजे यात्रा का यूज़ किया है इस बार हमने। देखिए, डीजे यात्रा के लिए अलग से लाइन है, काफ़ी कम लोग हैं इसमें, बट वही अगर नॉर्मल क्यू होता तो काफ़ी भीड़ होती। अभी हम लोग आ चुके हैं नागपुर एयरपोर्ट और G20 की वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं दिख रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, तो आज सैटरडे और कल रात को ही मैं आ गई थी बट काफ़ी लेट हो गया था इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं की। तो आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो। तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद आज बहुत सारे काम है, देखते हैं। 2 दिन के लिए आई हूँ, उसमें भी बहुत सारे काम है, कहीं जगह जाना है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है, मिलती हूँ आपको बाद में। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं आपको वहाँ पे जाके मिलूँगी। पहले मुझे एक ज्वेलरी शॉप में जाना है, फिर उसके बाद एक रिलेटिव ने हमको बुलाया तो वहाँ पे जाना है। तो अभी मैं निकल रही हूँ और आपको वहाँ पे जाके बात करेंगे। पहले हम आ गए ज्वेलरी शॉप में, यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांदी की चीज़ें दी जाती है, जैसे कि टोरिंग्स होते हैं वो बड़ा के ऐड ऑन करके दी जाते, तो वही टोरिंग्स मैं यहाँ पे देख रही थी। और मम्मी ने गोल्ड के 33 नंबर्स में बोली थी ना, वो धोंडे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो 33 गोल्ड के छोटे छोटे धोंडे बनवाए थे, तो वो भी मैंने देखी, वो ऑलरेडी बना के रखी थी। तो सारा चीज़ हम लोग आज ही यहाँ से ले लिए, जोड़वे लिए, वो धोंडे ले लिए और एक चांदी का चीज़ गिफ्ट करने के लिए मम्मी ली और मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फिर हम डायरेक्ट वहीं से हमारे रिलेटिव्स के वहाँ चले गए और उन्होंने भी अधिक मास था तो इसलिए हम दोनों को भी बुलाया था। फिर वहाँ पे उन्होंने अधिक मास के जो धोंडे थे वो भी दान दिए हमको। फिर खाना भी वहाँ पे खाया हमने। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले डायरेक्ट घर के लिए और हमें काफ़ी लेट हो गया था। पूरा दिन आज का बहुत बिजी था, काफ़ी थक गए थे। फिर मैं घर जाके थोड़ा देर रेस्ट की।
गुड मॉर्निंग। तो आज ही संडे और आज के दिन मम्मी हमें अधिक मास का ढूंढे दान देने वाली है, फिर एक पूजा भी रखी है, फिर पूजा के बाद वो ढूंढे देगी, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद हमको जाना भी है, 3 बजे की फ्लाइट है, तो उसके बीच में मतलब 1 बजे तक ये सारी चीज़ें करनी है, तो देखते हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ रंगोली। मेरा रंगोली बनाना हो गया और तब तक मम्मी पूजा का प्रिपरेशन कर रही थी। आज एक पूजा रखी थी मम्मी ने, फिर उसके बाद पंडित जी आए और पूजा में सिर्फ पापा बैठे थे, क्योंकि मम्मी खाने का देख रही थी, पूरा बहुत कुछ बनाना था मम्मी को आज खाने में, तो सब खाने का मम्मी देख रही थी और मैं भी बाकी की पैरेलली छोटी मोटी चीज़ें कर रही थी, तो इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ये सब काम मम्मी खुद करना चाहती थी, बट मैं सोची कि ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि इतना सारा चीज़ एक जन से नहीं हो पाएगा, वैसे भी मुझे ये सब चीज़ का आदत है डेकोरेशन थोड़ा सा जाना जाना, तो इसलिए ये सब मैं कर रही थी। फिर उसके बाद पूजा भी ख़त्म हो गई तो आरती भी हो गई थी। जल्दी जल्दी में मैं अभी तैयार हो गई हूँ, अभी जाएंगे वान लेंगे और फिर उसके बाद खाना खाएंगे और तुरंत चेंज करके हमको निकलना भी है। मम्मी यहाँ गर्मा गर्म पूरन पोली बना रही है। और ये छोटा मोटा चीज़ जो भी मैं कर रही थी ये, और ये जो चांदी और सोने की चीज़ जो दान देनी थी आज मम्मी को, ये सब मैंने यहाँ पे रखा था। और इसे यह है अनारसा 33 अनारसा यहाँ पे रखे हुए हैं, उसके ऊपर चांदी का दिया रखे देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा हम दोनों के पैर धो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटी और दामाद को लक्ष्मी नारायण के रूप में बुलाते हैं और उनको पूजा जाता है, इसलिए यहाँ पे मम्मी पापा हम दोनों के पैर धो के मतलब पूजा ही की जा रही है एक तरह से। और फिर इसके बाद हमको कपड़े दिए और जो भी उनको दान देना था वो सब दिए। और उसके बाद हमने जो भी स्वादिष्ट खाना बनाया था मम्मी ने, पूरन पोली कढ़ी सब अच्छे से खाया हमने। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद निकल गए, क्योंकि हमको लेट हो रहा था, जल्दी जाना था, तो हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एक बैग लेके आई थी और 2 बैग लेके जा रही हूँ, मायके जाने से ऐसे होता है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।